हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हमारी रेसिपी बनने वाली है चने की दाल से। जी हाँ, चने की दाल पर कद्दू के साथ। जी हाँ, वही कद्दू जिसको बहुत लोग नहीं पसंद करते और बच्चे भी कम खाना चाहते हैं। तो चलिए आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन, यहाँ पर मैंने चने की दाल को धो लेना है। धोने के बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए सोक करूंगी। धोने से इसके ऊपर जो केमिकल है वो थोड़े से निकल जाते हैं, दाल के ऊपर का जो पॉलिश होता है। उसके बाद हमारे पास लौकी है या कद्दू कह लीजिए आप, इसको हाफ करना है। मैंने यहाँ पे कोल लिया है, आपके पास जिस फॉर्म में भी हो, आप लाल कद्दू या फिर आप ग्रीन कद्दू या फिर आप सिंपल जो लौकी आती है लंबी वाली, वो आप उसको कट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ मैंने इसको आधा काट कर आधा ही लिया है और इसको भी मैं छिलके निकाल लूँगी और इसके कट्स लगाने हैं। कट्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें एक चौड़े चौड़े कट्स लगाने हैं। अगर आपके पास बीज ज़्यादा हो कद्दू में तो आप उस कद्दू को ना ले, नहीं तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। ये देखिए चकोर टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है। इसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन कर ली है, तो मैंने प्याज कटिंग कर लिया है, आप टमाटर भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिसा हुआ टमाटर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है और है लहसुन, लहसुन का कच्चा फॉर्म मैंने लिया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले प्रिपरेशन किया था तो अभी हमारे पास सब कुछ तैयार है और अब हम रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मसाले भी मैंने रखे हुए हैं, जिसमें हैं बे लीव्स, लाल मिर्च तोड़ के, हींग, हल्दी और नमक, और ये हमारा दाल और लौकी। यहाँ पे लौकी या कद्दू, ये देखिए मैंने सारे दाल को डाल लिया है। ये जो कटोरी है, इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी डाला है, और पानी अगर आप कटोरी से माप कर नहीं डालते तो क्या किस तरह से आप उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। ये देखिए एक स्पून ले लीजिए और उससे उसको मिला दीजिए। ये जो चम्मच है इसको आप सीधा खड़ा कीजिए, ये देखिए, और इस चम्मच का जो नीचे का भाग है, हाँ बस इतना ही पानी हमें चाहिए। अब तेज आंच पे मैंने 2 विसल इसमें लगा लिए हैं और टेम्परेचर को लो मीडियम कर दिया है और 10 मिनट तक रखा है और हमारी दाल ठंडी होकर हमने इसको निकाल लिया। अब हमारे पास बाउल में दाल निकल गई है, तड़के का पहले से हमने सारा कुछ कटिंग चॉपिंग करके रख लिया है। तो चलिए अब तड़का कैसे लगेगा, उसमें भी ट्विस्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि तड़का बहुत लोग लगाते हैं, उनका ये मतलब होता है थोड़ा प्याज जला दो, थोड़ा टमाटर डाल दो और थोड़ा मसाले डाल दो। नहीं, अगर आपको फ्लेवरफुल, मतलब पूरा एक अच्छा सा फ्लेवर चाहिए, अच्छा सा टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए तड़के का एक फॉर्म है। देखिए कैसे दाल हमारे पास तैयार पड़ी है, ऐसी 2 कटोरी दाल मेरे पास आई है। आज मैं ना ही बटर में, ना ही घी में, किसी दूसरी चीज़ में तड़का नहीं लगा रही हूँ। तब तड़का कैसे लगेगा, सरसों के तेल में या किसी भी कुकिंग ऑयल में आप उसको गर्म कीजिए, उसमें जीरा डालिए, हरी मिर्च और प्याज। जब जीरा चटकने लगेगा तभी आपको प्याज डालना है, और प्याज डाल के अच्छे से कोट कर दीजिए तेल के साथ प्याज को, और बिल्कुल भी गैस को मीडियम रखिए और मीडियम पे थोड़ा चलाने के बाद थोड़ा सा लो कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें जल रही है नीचे से तो आप लो कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से प्याज जो है ना इसके साथ में रच रही है। आप इस ऐसा सोचते हैं कि अगर हम तेज कर देंगे तो प्याज जल जाएगी और कलर आ जाएगा, जी नहीं, कलर लाने के लिए आपको इसको लो करना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुनहरा कलर आया। अब इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च, हल्दी, और अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें
हरी मिर्च और लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जब आप इसमें लाल मिर्च और हल्दी डाल रहे हैं ना, तो ये ऑलरेडी आपने पहले भी डाला हुआ है, और नमक, तो इन सब को जितना आपका खाने का स्वाद है उससे आप आधा डालिए, आधा दाल में और आधा तड़के में। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर टमाटर का प्यूरी डाला है, मैंने नमक अभी तक नहीं डाली है फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि टमाटर नमक के साथ अच्छे से कुक होता है। तो जब भी आप तड़का बनाइए तो नमक आपको, जब अगर टमाटर डालना है तो नमक आप टमाटर के साथ डालिए। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, और बिल्कुल आधी कटोरी पानी, मतलब आप बड़े चम्मच से समझिए 4 चम्मच पानी इसमें डालकर मैंने इसको हल्का सा एक टेक्सचर जैसे तड़के का होता है ना वैसा दे दिया है, और बस हल्का सा उबाल, मतलब 30 सेकेंड भी नहीं इतना आया। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं गरम मसाला कैसे बनाया है, यानी किचन एक्सपर्ट कॉर्नर गरम मसाला रेसिपी, ऊपर लिंक है आई बटन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हमने अच्छे से इसको भून लिया है और अच्छे से उसका फ्लेवर भी आ गया है गरम मसाले का। अब जो दाल बनी हुई थी पकी हुई वो हमने डाल दिया है। मैंने आपको बताया जितनी भी आपको पानी रखना है ना दाल उतनी बन जाती है, जैसे मैंने 2 कटोरी रखी थी तो 2 कटोरी बन गई। अब इस पैन को आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी ये गर्म होके धुएं के साथ में मतलब इसमें आ रहा है, तो ये ऐसा करने के लिए आपको पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए और बंद कर दीजिए, फिर बटर डालिए और फिर उसमें डालनी है लहसुन और लाल मिर्च। ये देखिए, दाल हमने निकाल ली जो हमने तड़का लगा के रखी थी, और ऊपर से जो तड़का लगाया था उससे हम इसको थोड़ा सा, बस ये गार्निशिंग के लिए है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे दाल थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देता है क्योंकि इसमें लहसुन का स्वाद आता है और लाल मिर्च का तड़का लगता है। थोड़ा सा मिला दिया मैंने, देखिए कितनी अच्छी दाल बन गई है। अब बताइए, बच्चे लौकी नहीं खाते, अगर ये लौकी वाली दाल ऐसे बन के मिल जाए और बच्चे रोटी या चावल के साथ इसको कितना एंजॉय करेंगे। रेडी टू सर्व, इस रेसिपी को आप गरम फुलके के साथ, स्टीम राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टीम राइस रखी है क्योंकि हमारे बिहार में ये रेसिपी स्टीम राइस के साथ ज़्यादा खाई जाती है। ऊपर से एक मिर्च का अचार रखा है जिसकी रेसिपी ऊपर आई बटन में, तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। यमी रेसिपी ना, कैसी लगी रेसिपी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी यू अगेन, बाय बाय।